हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। मैं हूं कुणाल, स्वागत करता हूं आप सभी का KSTV के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे बजट रेंज स्मार्टफोन की जो काफी कम लोगों ने नोटिस किया होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं Realme 3i की, क्योंकि ये जो फोन है वो लॉन्च हुआ था Realme X के साथ में। और ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ये जो Realme X है उसने सारी की सारी हाइप अपनी तरफ ही खींच ली थी, और उसी वजह से ये Realme 3i काफी कम लोगों के नोटिस में आया था। लेकिन ये जो फोन है वो काफी अच्छा है दोस्तों, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, ताकि आपको भी इस फोन की पोटेंशियल पता चले अपने। तो दोस्तों जल्दी से मैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस आपको बता देता हूँ, और आखिर में हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये फोन बजट रेंज का नया किंग बन सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं Realme 3i के डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों ये जो फोन है वो आता है एक डायमंड कट वाले डिजाइन के साथ में, जिसके अंदर आपको मल्टी कलर देखने को मिल जाएंगे, और उसी के अंदर आपको शेड्स ऑफ पिंक, ब्लू और रेड देखने को मिलते हैं, जो कि काफी यूनिक सा डिजाइन है दोस्तों। पहले किसी भी फोन में मैंने ऐसा डिजाइन नहीं देखा है, और लुक एंड फील के मामले में ये काफी प्रीमियम लगता है। तो डिजाइन के मामले में Realme ने काफी अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो दोस्तों Realme 3i के अंदर आपको एक 6.2 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एक डीप ड्रॉप नॉच के साथ आता है। तो जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी काफी अच्छे होने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको गोरिल्ला ग्लास की भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा है दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से। और इसके अंदर आपको 10W का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। सैडली इसके अंदर कोई टाइप सी पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बजट रेंज की बात करें तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर आपको MediaTek का Helio P60 देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। एक 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि 2 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है। और अगर हम GPU की बात करें तो इसके अंदर आपको मालिका G72 GPU देखने को मिल जाएगा। तो ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस के मामले में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप बड़े आसानी से PUBG और Asphalt 9 जैसे गेम्स हाई ग्राफिक्स के ऊपर खेल सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कैमरास की। तो दोस्तों रियर कैमरा में आपको एक ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो प्राइमरी कैमरा है वो एक 13 MP का कैमरा है, जो कि एपर्चर f/1.8 के साथ आता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो एक 2 MP का कैमरा है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के काम में आता है। दोस्तों ये डेप्थ सेंसिंग की वजह से जो आपके पोर्ट्रेट शॉट्स है वो काफी उभर के आने वाले हैं Realme 3i के कैमरा से। अगर हम फ्रंट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक 13 MP का AI कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एपर्चर f/2.0 के साथ आता है, और जो आपकी सेल्फीज है वो अबव एवरेज तो खींच ही सकता है ये Realme 3i का फ्रंट कैमरा। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 9 देखने को मिल जाएगा, और इसके ऊपर जो स्किन अप्लाई की गई है वो है ColorOS 6। और साथ ही साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है दोस्तों। फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है इस फोन के अंदर, जो कि काफी फास्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो रियलमी के फोन्स होते हैं उनके फेस अनलॉक काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। और साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड microSD स्लॉट भी देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। और दोस्तों ये जो फोन है वो 2 वेरियंट्स के अंदर आता है, 3GB RAM, 32GB memory, 4GB RAM, 64GB memory। जो 3GB वाला वेरियंट है उसकी जो प्राइस है वो है 7,999 rupees, और जो 4GB वाला वेरियंट है उसकी जो प्राइस है वो है 9,999 rupees। तो दोस्तों 10,000 रुपए के रेंज में ये जो स्पेसिफिकेशंस Realme 3i प्रोवाइड करता है वो टॉप नॉच है दोस्तों। और अगर मेरा बजट 10,000 रुपए हुआ तो जरूर मैं इस स्मार्टफोन को ही खरीदना चाहूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस आइकन के ऊपर क्लिक करके। और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपका बजट 10,000 हुआ तो क्या आप Realme 3i खरीदोगे या कोई और स्मार्टफोन। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए KSTV।